तो दोस्तों, मुंबई को देखने के लिए, समझने के लिए आप लोग बहुत बेहतरीन वीडियो में आई हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो पूरा मुंबई का नज़ारा देखिएगा और समझ भी जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। राजा जी, मुंबई को देखने के लिए आप सही जगह में आए हैं, तो बने रहिए वीडियो में। एक देखिए, अपना चुनमुनिया में बैठ गए स्टायरिंग में, हम आए हैं अपना गाड़ी लेने। अब यहाँ से वर्ली नाका से ये छोटा सा चुनमुनिया गाड़ी को लेके चलेंगे एसबी रोड, जहाँ रिलायंस हॉस्पिटल है और दोषी बरोदर दवा का कंपनी है, मेडिसिन कंपनी। तो दिन भर हम मेडिसिन डिलीवरी करते हैं, पूरा मुंबई का गली गली का वीडियो बनाते हैं और अपने चैनलवा में कभी भी अपलोड करते हैं। तो चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमें, तो सब्सक्राइब कीजिए और दो चार बार देखिए, मोहब्बत हो जाएगा। और जो हमें रोज़ देखते हैं, आप मोहब्बत करने की कोशिश कीजिए। तो बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं मुंबई का नज़ारा। वुम, दोस्तों निकल चुके हैं, अभी हम हैं महालक्ष्मी में, देख सकते हैं उधर टैक्सी का पूरा लाइन लगा है, इधर मेरा सिंगल भी खुल गया, बने रहिए। हम कहते हैं मामा, हो गया नहीं, तुम खाना लेके जल्दी। हाँ, खाना लेके मैं जल्दी आ गया, जल्दी करो फटाफट, है ना, जाओ। तो भूल गए गाइस, मेरा चैनल में बताना, ये बाबू चाचा का चाय दुकान है और यहाँ मुंबई कम से कम 100 से 200 लड़का यहाँ से बहाली होते हैं। गांव से पहले बाबू चाचा पास आओ, 6 महीना चाय का दुकान में काम करो, फिर मुंबई का पर बनाओ, उड़ते रहो। यहाँ मैं खुद 8 साल से हूँ, बस एक ही बंदा टीका है, ये मेरा दोस्त, बाकी कितने बच्चा ये कितने गए, हम ही लोग ये एरिया में टीके हैं। तो चलो बने रहो। कम उम्र में शादी करने की नतीजा कि इतना व्यस्त रहते अपना माँ बाप जिसने पैदा किया, बड़ा किया, उनसे भी बात करने की टाइम नहीं मिलती है। बट बात तो करते रहते हैं, बट ये बात कहने का मकसद ये है कि हम लोग पापा को एक टाइम ऐसा था, हम लोग कहा करते थे कि क्या करके दिया है भाई, इतना बड़ा करके दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मुंबई में गाड़ी चला रहे हैं। हैं, अगर पापा नहीं खिलाए होते, रोड में कहीं छोड़ दिए होते, तो कहीं भीख मांगते फिरते, किसी का गाड़ी धोते पोंछते, खाते कमाते फुटपाथ में। लेकिन नहीं, पापा ने अच्छा संस्कार दिया। वक्त के साथ बदलना चाहिए, जज्बात को समझना चाहिए, फीलिंग को भी समझना चाहिए। उस वक्त हम लोग बच्चे थे, पैसे की ज़रूरत होती थी तो पापा ने पैसा नहीं दिया। पापा पास पैसा कहाँ से आएंगे गाँव में, पता नहीं था। गाड़ी चलाने जा रहा हूँ बाज़ार, तो पापा 10 रुपया दो, भाई मैं काम करने जा रहा हूँ तो पापा से पैसा लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं था कि बाज़ार में कोई काम भी देगा हमें। मेरे गांव में एक अमड़ापड़ा बाज़ार है, तो पापा से 10-10 रुपया लेके जाया करता था। आज याद करता हूँ ना, बदन का रोंगटे खड़ा हो जाते, क्योंकि मैं भी पापा बन बैठा हूँ ना, तो पापा का फीलिंग समझ गया मैं। पता है बुरा कब लगता है, माल लोड हो गया और जो मेरे साथ डिलीवरी में जाएंगे ना, उनको अंदर 5 मिनट काम करवा रहा है। भाई जिसको जिस काम के लिए रखे हो वही काम करवाओ। अभी हम डबल में खड़ा है, देख लो, कोई आदमी आएगा 2 ठो गाली दे के जाएगा, हमको सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं तो पिट जाओगे। ड्राइवरी काम है, हर कोई हाथ साफ करने के लिए तैयार रहता है ड्राइवर पे। तो ये है दोस्त, जिसको मतलब कमज़ोर मिला उसको दिल भर के खटा लो, एकदम जान भर के खटा लो, ये गलत है यार। मैं आने दो, मैं पूछता हूँ क्या क्या करवाया, आप लोगों को भी दिखाता हूँ लाइव प्रूफ के साथ कि एक कम बुद्धि वाला इंसान का साथ कैसे व्यवहार करते हैं लोग, कम पैसा में ज़्यादा खटाते हैं लोग। ये जो अभी मेरा 2 दिन से ब्लॉग वीडियो आ रहा है, ये क्वालिटी का अहम भूमिका ये निभाए, ये मेरा साढ़ू भाई है, विमान शेख, वो बंगाली हम बिहारी, गजब साढ़ू, डेंजर बिहारी वो बंगाली, आदिवासी वहाँ से हमारा ना, आदिवासी वाला नहीं देखता है अभी, हम तो देखता है चलता है गाड़ी, एक्सीडेंट मिल जाए ना, देखिए बेकार। तो ये मोबाइल लेने का भैया, मेरे पास पैसा वैसा थे नहीं, अचानक गए दुकान में, भाई साहब थे, बोले ले लो 2 ठो, ले लिए, भरेंगे। मामा आ रहा है काम करके, पूछते हैं कि मामा से क्या क्या करवाया, बस देखते हैं। नाइस, बड़ा हमको चलाने का शौक है ऐसा बस यार। कितना काम करवाया, क्या क्या किया बताओ? उनका गाड़ी में 24 पेटी डालने को दिया, 24 पेटी डालने को दिया, अकेले डाला? उन लोग भी था। अच्छा चलो ठीक है, मिलजुल के काम करना बेहतर है, लेकिन ये मामा का काम है डिलीवरी करना है यार। लेकिन मामा को फंसा के इधर ही लेट कर देते हैं, और जब डिलीवरी नहीं होता है तो मामा को भी चिल्लाते हैं, हमको भी चिल्लाते हैं। अभी तब से मैं यहाँ पे खड़ा था, और मेरा साढ़ू वो गाड़ी चलाता है, वो बड़ा वाला गाड़ी है, वो मेरा साढ़ू चलाता है। दोस्तों गली गली में डिलीवरी करना, और जब जगह नहीं मिलता है तो देख रहे हैं धूप में बैठे हैं, गर्मी लग रहा है, देख रहे हैं धूप है, गाड़ी छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते, फाइन मार देगा, कोई आदमी चिल्लाएगा। यहाँ दुकान है देखिए, मेरे पीछे लाइट का दुकान है, इधर देखिए चाचा का दुकान है,
तो इन लोग तो 10 मिनट रुकने देते हैं क्योंकि हम लोग को तो पार्किंग करना नहीं रहता है, लेकिन कोई कोई बदतमीज़ आदमी होते हैं जो गाली गलौज करके चले जाते हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि ड्राइवर को रिस्पेक्ट करो, वो सब्जी वगैरह चावल मेडिसिन दवा दारू सब कुछ आपके लिए अपने घर परिवार को त्याग के छोड़ के आपके लिए पहुँचता है, और आप और आपका सब सुविधा का तैयारी करते करते ड्राइवर कितने दुनिया से गुजर जाते हैं, तो रिस्पेक्ट करो ड्राइवर को प्लीज़। मामा क्या बोल रहे हैं? तो एक गाना सुना रहा हूँ, सुनो। तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, कैसे करूँ मैं इसको बयां, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तो चलिए गाइस, और एक दो लाइन यहाँ पे हो जाए सॉन्ग की। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं दवा बाज़ार से, आ गए हैं अभी हम लोग, ये मझगाँव है, देखते हैं मझगाँव में रुके हैं। ये बड़ा नज़ारा है, देख रहे हैं यार, मुंबई में जहाँ जाना वहीं काम का एकदम मसला लगा रहता है। ये है नज़ारा, मेडिसिन पैकिंग ऐसा रहता है, देखिए सब इतने में पूरा मुंबई घूमना है लेके। तो दोस्तों ये देखिए मामा दरवाज़ा खोला, ये देखिए निकला, तो चलिए इसका अंदर दिखाते हैं क्या नज़ारा है। ये रहा उसका अंदर, हम आए हुए हैं, ये रहा कंपनी मेडिसिन का, बहुत बड़ा है अंदर तक है, यहाँ यहाँ कार्टून रख देंगे तो ऊपर चले जाएगा। ये रहा कंपनी का नज़ारा। दोस्तों अभी जा रहे हैं घोवंडी, घोवंडी तो यहाँ पे रुकने का स्पेशल कारण कि यहाँ देख रहे पुतला कैसा कैसा बना है, एकदम गजब गजब यार, देख रहे हो वॉकिंग का, वॉकिंग का गजब है। इधर भी कुछ कुछ बनाया है, देखो यहाँ में भी कुछ बना हुआ है, गजब बनाया है नज़ारा। तो चलिए चलते हैं घोवंडी, और घोवंडी का डिलीवरी देके फिर वही रोज का कहानी भैया, पूरा मुंबई टूर करना है और क्या, जीवन में मेरा कुछ नहीं है, आप लोगों को मोटिवेट करने का सिवाय कुछ नहीं है मेरे पास जीवन में। तो गाड़ी में स्टायरिंग में बैठ चुके हैं और मामा बड़ा उदास उदास है, गुमशुदा होके काहे मामा टेंशन में होका। तो मामा क्या है, मामा है मोहब्बत का मारा है ना मामा, मोहब्बत का मारा है। तो चलिए मामा के लिए चार लाइन फिर मैं गाना गुनगुनाता हूँ कि ओ सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारी, झूठी है प्यार की कसमें। दोस्तों ये है गोवंडी का दवा दुकान, मामा गया माल लेके, और ये रहा ऊपर वाला, ये वाला फ्री बाई ब्रिज है, ये मस्जिद बंदर में चालू होता है और सीधे चेंबूर आ जाता है। ये मेरा छोटका चुनमुनिया गड़िया यहाँ लगाए हैं। तो ये पीछे हो गया आपका घोवंडी, और अभी हम जाएंगे चेंबूर होते हुए फिर हम निकल जाएंगे अंधेरी का ओर। तो बने रहिए वीडियो में पूरा, और यहाँ पूरा मेडिसिन का ही यहाँ दुकान है। आज ये देखिए ज़िंदगी मुंबई का, पैसा कमाने के लिए मुंबई में हद से गुजर जाना पड़ता है, देख रहे हैं, वाओ नाइस। दोस्तों चेंबूर होके चलेंगे अभी विले पार्ले, तो बने रहिए वीडियो में दिखाते नज़ारा। पूरा ट्रैफिक आज उतना नहीं है, कम है। दोस्तों कहीं मेट्रो का काम बाकी है, कहीं हो गया है, भूख लगा है दबा के, तो पहले खाना खाएंगे आगे जाके, बने रहिए वीडियो में दिखाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग का खाना खाने का टाइम हुआ है शाहीन में, आज हम लोग शाहीन में खाना खा रहे हैं, देख सकते हैं। और मामा अभी कार्टून वटून निकाल रहा है, अभी कार्गो जाने का है, और यही है शाहीन का ब्रिज। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है यार कभी कभी, यार इधर सब बंगला उंगला देख रहे, छोटा छोटा घर है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। अभी इधर से किधर किधर जा सकते हैं देखो, आप लोग पढ़ लो। तो बस लंच टाइम हुआ है, खाना खा ले भैया, बने रहो वीडियो में। काम करते करते टाइम नहीं मिलता है खाने का, आज टाइम मिला है खाने का, दो बजे खाना खा रहे ना मामा। अभी जल्दी जल्दी थोड़ा खा के फिर हम लोग निकलेंगे, आज भी काम ज़्यादा नहीं है, खाने दो अब। ये है धारावी सलम एरिया ना, सेलूम एरिया इंग्लिश में क्या बोलता है, मतलब झुग्गी झोपड़ा वाला, बहुत ट्रैफिक रहता है इधर। तो ये है बांद्रा वाला बाईपास, आगे से हम मुंबई गुजरात हाईवे पकड़ेंगे, बने रहिए। विले पार्ले के लिए हाईवे से लेफ्ट मार चुके हैं, इधर बिल्डिंग देख रहे हैं यार, गजब गजब बिल्डिंग रहता है, का समझे, देख रहे हैं।
बने रहिए, वीडियो में दिखाते हैं। और ये मुंबई है ना दोस्तों, ट्रैफिक में सब इज्जत से खड़ा रहता है, यहाँ किसी का बख्शाइश नहीं है, एकदम सिस्टम बना के रखा है यहाँ पे भैया। बड़ा अच्छा लगता है गाड़ी चलाने में, एकदम सिस्टम तोड़े कि आपको तोड़ डालेगा, याद रखिए। इंटरनेशनल कार्गो अंधेरी आ चुके, ये सब माल जहाज में जाने वाला है, देख रहे हैं ऐसा पैकिंग रहता है। और मेरा गाड़ी इधर खाली कर रहा है, देखिए सब स्टेगर मार के, ज़्यादा नहीं 3 पेटी है बस, खाली करके निकल जाएंगे दोस्तों। खाली करके निकल चुके हम लोग, अब गोरेगांव जाएंगे, गोरेगांव के लिए लास्ट डिलीवरी बचा है दोस्तों। मुंबई एक ऐसा शहर है, यहाँ जीने का तरीका, तमीज, तहजीब सब सिखाती है। जो 10 साल मुंबई में रह गया वो सक्सेस है, और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो बर्बाद, तो एकदम डेफिनेटली है, ऐसा बर्बाद होगा कि वो कभी आबाद नहीं हो सकता। तो मुंबई सपनों का शहर इसके लिए कहता है, तो बने रहिए वीडियो में दिखाते हैं नज़ारा है। दोस्तों फाइनली गोरेगांव का ये मेट्रो है, आगे से लेफ्ट मारेंगे फिर चले जाएंगे अपना कंपनी में। और लास्ट इसका कितना है, वही है ना एक कार्टून और वो, चलो दे दो। ये देखो मेडिसन गाड़ी कैसे लाइन लगा है, मेडिसन के लिए ये सब छोटा गाड़ी मस्त रहता है, मेरा भी मेडिसन का छोटा ही गाड़ी है ना ये। और ये है गोरेगांव का लास्ट डिलीवरी हो गया, अब हम लोग को छुट्टी, अब चलेंगे घर। देखते गोरेगांव का ये बिल्डिंग, वाह कितना मस्त है, ये वाला देखो बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तो चलिए, हाँ आज बड़ा जल्दी काम कर दिए यार, कम काम था इसके लिए। ये देखो मामा अंदर गया है। दोस्तों हम गाड़ी चलाते चलाते वीडियो बनाते हैं, तो अभी गोरेगांव में एक पुलिस ऑफिसर पकड़े थे, हमको बोला कि सेफ ड्राइव सेव लाइफ, मैं तुम्हारा वीडियो देखता हूँ बाबू। तो ये रहा गोरेगांव का नज़ारा, देखते हैं। ये सब में तो गाड़ी रोक नहीं सकते हैं, तो रनिंग गाड़ी में वीडियो उठा लेते हैं। इसके लिए सर जी बोल रहे थे कि गाड़ी का स्पीड तुम्हारा कितना होता है, तो मैं बोला 40-45 होता है, और मैं कंफर्टेबल जगह में वीडियो शूट करता हूँ, अनकंफर्टेबल जगह में बिल्कुल शूट नहीं करता। तो बोला ठीक है जाओ। तो हम लोग गोरेगांव से निकल चुके हैं, और चलिए अब चलते हैं हाईवे का ओर और अपना घर का ओर। तो बने रहिए वीडियो में दिखाते हैं एकदम नज़ारा। और ये रहा दोस्तों ट्रैफिक, वाओ इतना ट्रैफिक आज नहीं है, पर ये सब में एक एक घंटा लगता है यार, एक एक घंटा। आज बड़ा खुशी महसूस हो रही है कि बहुत जल्दी घर जा रहे हैं। ये देखिए बात करते करते वीडियो बनाते बनाते मैं अंदर ही क्रॉस कर रहे हैं, सोचिए आई एम वेरी लकी ब्रो, आई एम वेरी लकी। कभी कभी 10 बज जाता है बड़ा। ये देखिए ये है मेट्रो, अंधेरी के आगे मेट्रो नहीं जाती है, ये हुआ लास्ट। बोले तो इसका आगे अभी बनाई ही नहीं है, जब बन जाएंगे ना तो उधर भी मेट्रो चालू हो जाएगा, तो फिर मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा ना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बिंदास मुंबई का गली गली दिखाते हैं मेरे मित्रों दोस्तों। तो दोस्तों एंड मित्रों फाइनली हम लोग अपना काम को अंजाम दे के, अपना काम क्लियर ख़त्म करके हम लोग वापस आए हैं। और जहाँ रोज़ रुकते हैं वहाँ बांद्रा में रुके हैं, एक नया चीज़ है देख रहे हैं वो बनाया गाड़ी वाला, देखिए थोड़ा जूम करते हैं, ए देखिए देख रहे हैं बड़ा गजब बनाया है। तो चलिए इसी तरीके से मुंबई आइएगा तो मेहनत मशक्कत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्या बोलते मामा। दोस्तों मुंबई एक ऐसा शहर है, यहाँ पे रोज काम करते हैं लोग, रोज पैसा कमाते हैं, रोज नंगा हो जाते हैं, रोज लफड़ा करते हैं। मतलब मुंबई ऐसा शहर है, कहीं ना कहीं मारपीट होते रहता है, कोई ना कोई नया बिजनेस शुरू कर दिया होता है, कोई ना कोई नया कंपनी शुरू कर दिया होता है, कोई ना कोई अर्श से फर्श तक पहुंच गया होता है, और कोई फर्श से नीचे तक गिर गया होता है। तो मुंबई को समझना बहुत डिफिकल्ट वाली बात है, बहुत बड़ी डिफिकल्ट वाली बात है। मुंबई को इतने दिन से हम रह रहे हैं, लगभग 8-9 साल हो गया, अभी तक हम मुंबई को नहीं समझ पाए हैं बेहतरीन से। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हम, मेरा ब्लॉगिंग करने का मकसद है मुंबई को समझाना और दिखाना कि मुंबई में कितना काम करना पड़ता है। आज हम लोग कितना टूर किए, आज हम लोग कैम हॉस्पिटल गए, दादर गए, शाहीन गए, हर जगह का क्लिप मैं उठा नहीं पाता हूँ, काम में व्यस्त रहता हूँ, तो बहुत डिफ़िकल्ट ज़िंदगी जीना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा, बेल आइकन को टन से दबा दीजिएगा। तो चलिए मामा पेशाब उशाब करना है क्या यहाँ? हाँ कर। तो जाओ पेशाब करो। करने का नहीं, नहीं करने का है हमको पेशाब, तुम करके आओ। तो मामा के ये पेशाब करने, और अब हम गाड़ी लेके चलेंगे अपने नाके पे जहाँ ये गाड़ी पार्किंग होता है, फिर वहाँ पे ये गाड़ी पार्किंग करके अपना घर जाएंगे, फिर कल सुबह का जिंदगी आपको दिखाएंगे, कल सुबह फिर एक नई सोच, मतलब गजब वाला जिंदगी है यार मेरा, मजाक करती है जिंदगी मेरे से, मजाक करती यार। सुबह अभी तो स्कूल बंद है, नहीं तो सुबह 7 बजे उठो, बच्चे को स्कूल दो,
फिर 8 बजे आओ गाड़ी लेके आओ। अरे बड़ा लफड़ा है यार, रात को 1-2 बजे सोते हैं और फिर वही 6-7 बजे उठ जाते हैं, बड़ा जिंदगी झंड है कसम से। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ हाँ, 5 बजे डिलीवरी हो गया, मामा को दादर में छोड़ दिए, जाओ फिर कल सुबह मिलेंगे। ये रहा मामा बैग टांग के अब चला दादर रेलवे स्टेशन, ट्रेन पकड़ेगा और चलेगा उल्हासनगर, हम चलते हैं पार्किंग करने वर्ली। दोस्तों ये मुंबई है, जिसको देती है ना दिल खोल के और जिससे लेती है ना वाह पूरा खोल के लेती है, तो मुंबई को समझो। अब हम आ गए हैं वर्ली नाका, वर्ली नाका, वर्ली नाका, वर्ली नाका के लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग एकदम मस्त, ये जो ये रोड है ना, ये रोड का नीचे में मेट्रो स्टेशन है, ये जो लेफ्ट साइड में देखे ना उससे नीचे जा सकते हैं उधर, इसका नीचे में मेट्रो चलेगा, ऊपर में नहीं चलेगा, तो यहाँ नीचे में मेट्रो स्टेशन है समझ लीजिए। दोस्तों जैसे आइए गाड़ी का पार्किंग था पीछे में, पार्किंग कर दिए और वहाँ से फटाफट निकल आए। अब चले हम अपने घर के ओर, तो बने रहिए वीडियो में। नज़ारा ये है नज़ारा, लोअर परेल रेलवे स्टेशन का नज़ारा, देखते हैं कितना बड़ा सीढ़ी है, यहाँ से अगर गिरोगे ना लुढ़क के वाह यार, ये ऊपर में चलने का देख रहे कितना बड़ा है। तो दोस्त ये सब में ना रोज़ आना जाना आदत सी हो गई है, लेकिन बहुत सारा मिस्टेक भी होती है, रोज़ देखते हैं हम लोग। ये देखिए उधर ट्रेन खड़ा है विरार वाली, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी ट्रेन में आइए, तो हम गिरान रोड जाएंगे भैया जल्दी। ये रहा हमारे ट्रेन में आवत है लग रहा है, देख रहे हैं सब घर जाने का तैयार में है, सब लाइन से खड़ा है। तो यही है मुंबई का जीवन, सुबह उठो ऑफिस, शाम हुआ फिर घर जाओ, फिर सुबह ऑफिस, फिर शाम को घर जाओ, भाई जिंदगी नहीं ये ढोल है, ढोल बजते रहता है तड़ 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 तड़। ये रहा जी ग्रांड रोड, उतर गए ट्रेन में, हम वीडियो नहीं बनाए, अब चलेंगे घर। घर आ गए, भूख लगा है तो यही सब काटे हैं खाने के लिए। ये देखिए बैठ के अब ठूस रहे हैं, बच्चे लोग भी खा लिए अभी, तो बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं और क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा चिकन का कलेजी और ये रहा चिकन का पैर, तो आज यही बना रहे हैं। और इधर देखो एकदम लेट लेट के मोबाइल देख रही है वो इरफान, तू का मोबाइल लेके जा रहा है? नहीं डाउनलोड, हाँ तो डाउनलोड करके ऊपर आओ, ज़्यादा टाइम इधर उधर जा मत मोबाइल लेके, कुछ छीन के भाग जाएगा। हाँ तो जाओ। तो दोस्तों यही जिंदगी है, यही कहानी है जो सबको दिखानी है और सुनानी है, इस कदर जीवन जियो मज़ा आए, काम करके आओ बनाओ खाओ फिर काम करने जाओ, बच्चे पढ़ रहे हैं बस सबसे बड़ा काम है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो बने रहो, खाएंगे सो जाएंगे और कितना क्या दिखाएंगे। तो चलिए मेरा तरकारी बन रहा है, अब हम लोग खा के सो जाएंगे, तो कल सुबह मिलेंगे एक नए वीडियो में, खूबसूरत वीडियो में। बाय बाय।